अपनी आखिरी मंजिल की शुरुआत हमने 10 बजे काजा से की। आज हमें पिन वैली जाना था और वहां से शाम को नाको वापस आना था। सो काजा से ताबो की तरफ जाते समय हमने पिन वैली के लिए टर्न लिया और पिन वैली नेशनल पार्क में एंटर किया। यहां रोड्स थोड़ी खराब थी और बहुत सी जगह सड़क पे पिघली हुई बर्फ थी, जिससे कि रास्ते और भी कठिन होते जा रहे थे। पर यहां से नज़ारे बहुत ही अद्भुत और सुंदर थे, ऐसे स्पीति में हमने अभी तक नहीं देखे थे। लग रहा था जैसे स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। मुद विलेज से पहले हम सगनम, जो कि मुद से 11 किलोमीटर दूर है, वहां रुके। दोस्तों, ये पिन वैली का सबसे सुंदर गांव है और मुद से ज्यादा एरिया कवर करता है। पहाड़ों के यहाँ कई रंग और रूप दिखाई देते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुक के हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जो कि अब बस 11 किलोमीटर दूर थी। दोस्तों, एक और बात, स्पीति या लद्दाख में अगर आप लोगों को जुल्ले बोलेंगे, जिसका मतलब होता है ग्रीटिंग्स, गुड डे, तो लोग आपको एक मुस्कुराहट के साथ देखेंगे। यहाँ पे रोड्स काफी खराब थे, सड़क के किनारे ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, जिससे बहुत स्लिपरी हो गई थी। अगर आपको पहाड़ों में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप काजा से टैक्सी लेके यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती यहाँ पे बहुत भारी पड़ सकती है। और ये जो रिवर आप दोस्तों नीचे देख रहे हैं, ये पिन रिवर है और ये जगह पिन पार्वती और पिन भावा ट्रैक के लिए फेमस है। ये ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसे स्नो लेपर्ड्स का घर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ टोटल 12 लेपर्ड्स हैं। और अगर आपने पाप मूवी देखी है, तो उसका एक सॉन्ग है इंतजार, जिसमें जॉन इब्राहिम और उदिता गोस्वामी है, उसकी शूटिंग यही हुई है। तो वो अगर आपने नहीं देखा, वो आप देख सकते हैं। और आलिया भट्ट और रणदीप हुडा की हाईवे मूवी की शूटिंग भी स्पीति में हुई है, जिसमें ताबो की मोनेस्ट्री, काजा, इन सब जगहों पर इसकी शूटिंग थी। और लद्दाख के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, थ्री इडियट्स, भाग मिल्का भाग, जब तक है जान, डर और बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड की मूवीज हैं जो कि लद्दाख में शूट हुई है, जिससे कि लद्दाख का टूरिज्म बहुत बूस्ट हुआ। मुद विलेज स्पीति का आखिरी गांव है और यहां की जनसंख्या 200 से 300 है। यहां पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और प्राथमिक विद्यालय भी है, और हैं तो बस प्यारे से लोग और कुछ होम स्टेज। मुद को लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड्स भी कहा जाता है। यहां पे सर्दियों में टेम्परेचर -10 के नीचे चला जाता है और स्नो लेपर्ड्स गाँव की तरफ आ जाते हैं। माना जाता है कि यहां पे अभी भी 14 स्नो लेपर्ड्स हैं, जो कि सर्दियों में निकल के आते हैं। हिमालयस की जर्नी अधूरी रह जाती है अगर आप वहां जाके मैगी ना खाएं और चाय ना पिएं। हम नामखा होमस्टे में गए और ओनर तेंजिन से बात की। उन्होंने हमें बताया कि गांव वालों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां पे एक स्कूल भी है जो कि 8th क्लास तक है, और एक बेसिक हेल्थ सेंटर भी है। हमने मैगी नूडल्स और थुक्का खाया और 2 बजे हम वहीं के कुछ बच्चों से मिले और उनके साथ फोटो सेशन किया। बच्चों के चेहरों पर खुशी देख के हमने उन्हें चॉकलेट्स भी दी और खूब मस्ती करी। फिर मौसम अचानक बिगड़ जाने के कारण हमें वापस चलना पड़ा और हम नाको की तरफ जाने लगे, जहां हमें आज स्टे करना था। वापस लौटते समय हमने कुछ लोकल लोगों को स्नो ले जाते हुए देखा, तो उन्होंने हमें बताया कि वो लोकल वाइन प्रिजर्व करने के लिए ले जा रहे हैं। टाइम हो गया था 3:30। We'll be right back.
अगले दिन हम सुबह 9 बजे नाको से कल्पा के लिए निकल गए। कल्पा जो कि हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। किन्नौर जाने के लिए रोड्स बहुत ही अच्छी थी। कुछ जगह पत्थर गिरने की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक था, बट रोड्स स्पीति के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मौसम ने भी हमारा साथ दिया। हमारे कल्पा पहुँचने तक बारिश शुरू हो गई थी और कल्पा से नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। सामने किन्नर कैलाश दिख रहा था बट बादलों में ढका हुआ था। अगले दिन सुबह हमने कल्पा से किन्नर कैलाश की पूरी रेंज देखी और बहुत ही सुंदर दृश्य देखे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जर्नी तो मेरी ख़त्म होने वाली थी पर अब लग रहा था कि दिल तो मैं स्पीति में ही छोड़ के आया हूँ। दोस्तों, मेरी स्पीति की जर्नी तो ख़त्म होने जा रही थी पर ज़िंदगी भर की यादें मैं अपने साथ लेके जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे दिल मैं अपना स्पीति में ही छोड़ के जा रहा हूँ। हमारा स्पीति तक का साथ तो यहीं तक था। मिलता हूँ आप लोगों से अगले सीरीज़ में कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ, कुछ नई जगहों के साथ। टिल देन सी यू गाइस, कीप ट्रैवलिंग।